वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एना जॉर्ज और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एना लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुदा के फजल से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा बेटा नोआ भी एकदम मजे से है और वो चीखे मार रहा है क्योंकि वो अपने आपने भी व्लॉग में आने अभी नहीं थोड़ी देर, बट मामा आपको व्लॉग में लेगी, सही है? हाँ जी, तो बैक टू माई व्लॉग। तो चले चलते हैं, अभी शाम के वक्त मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह का छोटा सा क्लिप होगा नाश्ते का, तो वो आप देख के ही आए हूँ। तो खैर शुरुआत करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, मटर कीमा आलू का पुलाव बना रही हूँ और साथ में मेरा व्लॉग चल रहा है जो आज ताज़ा फ्राइडे को आया है, क्योंकि उसको देख देख के मैं बहुत खुश हो रहा था। तो मैंने बोला ये है मम्मा का सबसे बड़ा फैन। तो खैर शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइज, बहुत ज़्यादा गाइज। और मुझे साथ में चर्च की तैयारी भी करनी है बिकॉज कल है संडे और कल हमें जाना है चर्च। तो यस फ्रेंड्स, ये आलू मटर और कीमे को मैं भून रही हूँ, उसके बाद ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, इसके बाद इनको मैं धो के इसमें डाल दूंगी और मैं आपको फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी। और साथ में गाइस मैं देख रही हूँ स्प्लिट विला, जो कि होता तो पूरा स्क्रिप्टेड है बट स्टिल मैं देखती हूँ बहुत मजे से। जो इनके लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे मुझे लगते हैं देख के। और बिग बॉस कौन कौन देख रहे हैं मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं तो बिग बॉस OTT 3 पूरा पूरा देख रही हूँ, कभी कभी तो लाइव क्लिप्स भी देखती हूँ, तो बड़ा मजा आता है। तो यस फ्रेंड्स, ये है मेरा गर्मा गर्म खाना। मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मुझे किसी का भी वेट नहीं हो रहा, तो मैं खाने जा रही हूँ और साथ में अपना फेवरेट ड्रामा देख रही हूँ नूरजहां, और ये है मेरा खाना। तो यस फ्रेंड्स, अब हो गया है नेक्स्ट डे और मेरा वही कल का व्लॉग कंटिन्यू है आज। और अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च। ये कपड़े तो आप लोगों ने मेरे देखे होंगे, मैंने एक दो दफ़ा पहने हैं, तो आज तीसरी चौथी बार भी पहन रही, कोई मसला नहीं। तो क्योंकि कलर मुझे इतना प्यारा लगता है और ये सिर्फ एक ही कलर है मेरे पास, इससे ज़्यादा और कोई कलर ऐसा है ही नहीं मेरे पास, टी पिंक। तो चलो चलते हैं चर्च के लिए निकलते हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। तो चलो आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ। नोआ भी मेरा तैयार हो गया और उसने आज सनग्लासेस भी पहने, वो माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा है। तो चलो चलते हैं। तो यस फ्रेंड्स, मैंने सोचा जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गाइस दुबई में जहाँ जहाँ ट्रीज हैं ग्रीनरी है, वहाँ पर इतना प्यारा प्यारा लगता है, देखिए कितना क्यूट लगता है। उसने मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। तो चलिए आप भी देखें। तो यस फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है और आज सुमेरा बजे और विरोनिका चर्च नहीं आई, तो हम लोग उनसे मिलने आए बिकॉज विरोनिका की है तबीयत खराब। मजे का होममेड केक बनाया है, अभी हम इसको काटेंगे और खाएंगे। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। यस फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोग यहाँ पे सुमेरा बाजी लोग के घर पे हैं। क्या देख रहे हैं, सही नहीं आ रहा एंगल?
सही आ रहा है ना? तुझे पता कैसे कि तू बीच में आ रही है? क्योंकि मेरा कैमरे में वो है। अच्छा जी, तो अभी तक गाइस हम लोग सुमेरा बच के घर हैं। हम लोग निकल रहे थे, और देखा कि जो गाड़ी है उसका ना टायर पंचर हो गया। पहले तो फट गया, बाद में फिर अभी पंचर हो गया। तो अभी वो लोग गए हैं पंचर ठीक करवाने, और उसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे घर पे। और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30 है, 8:30 है, 8:30 है ना जी? तो 8:30 हो रहे हैं, अभी तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गाइस। और मुझे इतनी नींद आ रही है ऑलरेडी, रात में मुझे नोआने नहीं सोने दिया। और अभी यहाँ पे वैसे मुझे बड़ा मज़ा आया, इतने मज़े के हमने पाकिस्तानी समोसे खाए आलू वाले, साथ में सुमेरा बाजी ने इतने मज़े का केक बनाया हुआ था वो हमने खाया, चाय मैंने 2 कप बड़े बड़े पिए, बड़ा मज़ा आया। और वेरोनिका की जो तबीयत ख़राब थी, अब वेरोनिका पहले से बेहतर फील कर रही है, खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हो गई है अभी। तो वो लोग अभी बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं और हम लोग निकलेंगे घर पे। तो यस फ्रेंड्स, हम लोग घर पे आ गए हैं, अभी रिलैक्स होके मैं बैठी हुई हूँ। और कसम से नींद से ना मेरी आंखें जल रही हैं, लिटरली जल रही हैं। तो अभी मैं बड़े सुकून से बैठी हूँ, तो बड़ा मज़ा आया। बट छोटा सा इंसिडेंट ये हो गया था कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी का मतलब टायर फट गया था, वो क्या कहते हैं, एक तो गर्मी इतनी है उसकी वजह से भी। तो खैर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर जब वो टायर लगवा के आए नया, और जब पार्किंग में खड़ी हुई थी, उस टाइम हम सुमेरा बच्चे के घर थे, तो वहाँ पे जब पार्क करके आए हैं, हम लोग अंदर चाय वाय समोसे वैसे खा रहे, तो पीछे से जब वापस हम घर आने के लिए निकले, तो टायर से हवा ही निकली हुई थी, बिल्कुल टायर साथ में मतलब पिचक गया था, इतनी हवा निकल गई थी। तो इस वजह से हमें और थोड़ा सा लेट हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने कार लिफ्ट वाले को बुलाया, जो हमें पिकअप वहाँ से करता और यहाँ पर लेके आता, फिर उसका वेट किया, और फिर उसके बाद हम लोग अभी घर आए हैं। तो बहुत ही लेट हो गए हैं। तो खाना तो मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया, बिकॉज़ आई एम सो टायर्ड। और सोच रही हूँ कल का पुलाव पड़ा हुआ है, शायद मैं वो खाऊं, या तो कुछ बाहर से ऑर्डर करके खाऊं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। ये जो मेरा नन्ना मुन्ना है ना, ये मुझे बहुत थका देता है। खैर कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ मदरहुड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटा सा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तो जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ फौरन से फौरन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल लव एंड सपोर्ट, मुझे और मेरे बेटा को अपने प्रेयर में याद रखें। बाय बाय।